हेलो फ्रेंड्स, आज आया हूँ एक जगह द्वारका, और यहाँ पे जो एसी गैस चार्जिंग हुआ था और यहाँ पे जो है वाटर लीकेज हो रहा है इस मशीन के अंदर, तो इसको ठीक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। मैं आया हूँ और यहाँ पे जो है एसी में गैस चार्जिंग हुआ था, लेकिन पता चला कि जब से ये गैस चार्जिंग हो रखा है और एसी चला ही नहीं, तो क्या कारण हो सकता है, इसमें किस लिए नहीं चलाए होंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये उंगली देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या होता है कि एसी चलने के बाद पानी टपकता है और इधर से नहीं टपकता। इसका जो ट्रे है ना, ब्लॉक हो सकता है और खोलने के बाद पता चलेगा। अब देख सकते हैं ये जो खोला हूँ मैं इसको, और ये मुझे लग रहा है कि जो लेफ्ट की तरफ जो है डाउन है, इसीलिए जो है एसी ऑन करते ही इधर से पानी निकलना चालू हो जाता है। तो हम इधर से उठाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से, और थोड़ी सी डाउन इधर करेंगे तो पूरी की पूरी पानी जो है अब पाइप में चला जाएगा। तो फाइनली जो है ओके हो चुका है और कूलिंग कर रही है। यहाँ से पानी गिर रहा था और यहाँ से भी पानी गिर रहा था। फाइनली जो है अब वाटर लीकेज ओके हो चुका है। और इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसकी जो ट्रे है अनबैलेंस था, और जो इसका जो पानी का जो आउटलेट जो पाइप लगा हुआ है वो भी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं था। दूसरी एसी जो है ना, जो लेफ्ट की तरफ है ज़्यादा, मतलब कि झुका हुआ था, इसकी वजह से भी जो पानी, आपको पहले आपको बताया था कि यहाँ से पानी आता है, तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर को किया और जो अब जो है पानी का लेवल प्रॉपर बना हुआ है। और यहाँ के जरिए जो भी सोसाइटी का इकट्ठा पानी कहीं भी जाता है, अब प्रॉपर निकल रहा है। तो काफ़ी पुराना एसी है ये, आप लोग देख सकते हैं। और ये अनबैलेंस हुआ क्यों है, क्योंकि इसमें अंदर जो है ना यूनियन नहीं था, तो टांका लगा था, लगाते समय क्या होता है, जो बॉडी होता है हीट हो जाता है, तो एक तरफ जो हमारा जो पत्ती होता है वो हीट होके अनबैलेंस हो गया था, तो दूसरी तरफ झुक गया था ये, तो उसको हमने ठीक किया है। तो देर न करते हुए जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।